थे बच्चों, हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में द नाउन काइंड्स और ये हम लोग ने सीख लिया था, जो काइंड्स बता दिए थे तुम्हें और प्रॉपर नाउन बताया था। और ये देखो आज हम लोग ये सीखेंगे प्रॉपर नाउन में क्या था। पंकज इज अ गुड क्रिकेटर, मतलब पंकज एक पर्टिकुलर है, वैसे इलाहाबाद, वैसे ही संडे, महाराष्ट्र, ये सब हमने तुम्हें बता दिया था। अब यहाँ आते कॉमन नाउन, जातिवाचक संख्या या कॉमन नाउन। इसमें क्या है, जब कोई शब्द एक जाति या किसी व्यक्ति एक ही प्रकार को या वस्तु में से किसी एक किसी वस्तु या स्थान का के विषय में बताए वह तब वह कॉमन नाउन होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई भी, जब कोई शब्द या एक जाति या एक व्यक्ति या एक ही प्रकार की वस्तुओं के विषय में बताए या किसी वस्तु या स्थान के विषय में बताए एक ही तरह का, जैसे यहाँ लिखा देखो, इसका सीखोगे तब समझ। दिस इज योर पेन, मतलब एक चीज बता रहा है, पेन है किसका है तुम्हारा, यहाँ नहीं है दिस इज पेन, ये नहीं है कि ये पेन है तो इसमें तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है दिस इज योर पेन, मतलब ये पर्टिकुलर तुम्हारा है। यहाँ है शी गोज टू प्ले ग्राउंड, मतलब प्ले ग्राउंड में सब तो हैं लेकिन शी किसी की चीज, यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, है ना। यहाँ पर लिखा है आई लिव इन अ सिटी, मैं कौन, मैं, तो इसमें क्या है बच्चों, सिटी है ना। फिर देयर आर प्लेयर, यहाँ पर खिलाड़ी हैं। देखो यहाँ लिखा है उपयुक्त वाक्यों में सभी मोटे छपे कॉमन नाउन है, मतलब जो प्लेग्राउंड, प्लेयर्स, पेन, सिटी, ये सब क्या पर्टिकुलर हैं, है ना, कॉमन नाउन। कुछ अन्य कॉमन नाउन मैन, वुमेन, विमेन, सिटी, बॉय, कैट, डॉग, टेम्पल आदि, ठीक है बच्चों, ये हो गया। फिर अब कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब अभी इसमें देखो कैसे है, वे शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं के समूह का ज्ञान कराए, एक ही प्रकार का, कलेक्टिव मतलब ढेर सारा हो लेकिन एक ही तरह का हो। अब वे क्या है, वे शब्द जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों, एक ही प्रकार के क्या है, व्यक्तियों या पशुओं या वस्तुओं के समूह का ज्ञान कराए, उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी मतलब सेना, शब्द इसमें सैनिकों का समूह है, आर्मी अगर हमने बोल दिया, जैसे हमने क्लासरूम बोला, क्लास है ना, तो क्लास रूम में क्या है, सारे स्टूडेंट बोला अगर, तो इसका मतलब सारे स्टूडेंट आ रहे हैं, ऐसे ही आर्मी सेना है, आर्मी सेना है लेकिन वो किसका समूह है, सैनिकों का। जैसे ही आर्मी का शब्द लिया जाता है इसका मतलब सेना है, और सेना किसका समूह है, सैनिकों का समूह का। क्राउड भीड़, भीड़ में क्या है, भीड़ अगर कह दिया इसका मतलब लोग होंगे वहां पर, तभी भीड़ है, भीड़ किससे बनती है, लोगों से, तो यहाँ लोगों का समूह का बोध होता है। फ्लॉक इसका मतलब भेड़ों का झुंड, फ्लॉक मतलब भेड़ों का झुंड, जो एक तरह का झुंड, एक पर्टिकुलर। क्लास देखो यहाँ पे आ गया ना, हमने देखा भी नहीं था, क्लास, क्लास मतलब शब्द मतलब विद्यार्थियों का समूह, क्लास मतलब विद्यार्थियों को समूह का बोध होता है। बच्चों समझ में आ रहा है, देखो इसको बहुत ध्यान से आप लिखिएगा भी, पहले यहाँ तक तो आपने लिख ही लिया है, यहाँ तक कॉमन नाउन सबसे पहले लिखिएगा, मैं और अच्छे से आपको दिखा दे रही हूँ, कॉमन नाउन, जातिवाचक।